स्कूल बस की मांग को लेकर रोहिणी में बच्चों ने किया सड़क जाम। बच्चों ने बताया कि रोहिणी परियोजना की स्कूल बस में सरस्वती विद्या मंदिर और आदर्श उच्च विद्यालय के बच्चे जाते हैं, ऐसे में उनकी बस नहीं आई, जिससे नाराज होकर बच्चों ने सड़क जाम कर दिया। जानकारी मिलने पर मुखिया संतोष माली और पंचायत समिति सदस्य सहदेव माली भी जाम स्थल पर पहुंचे और विभागीय अधिकारियों से बात की। प्रोजेक्ट इंजीनियर यंडम से बात की गई, बताया गया कि रोहिणी परियोजना की बस खराब है और बनने के लिए भेजा गया है। इस दौरान प्रबंधन की ओर से शिफ्ट बस से स्कूली बच्चों को स्कूल तक पहुंचाया गया। बस के लिए धरना किए हैं कि ताकि बस हम लोग अवेलेबल हो सके। डीएवी का है कि डीएवी है जो डेली बस लेके आ रहा जा रहा है। हम लोग जैसे कि हम लोग को पढ़ना ही नहीं है, वैसे ही लोग यहाँ पे कर रहे हैं। और हम लोग एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाला है 10 तारीख से, तो बस अगर अवेलेबल हो जाते तो अच्छी बात है। हम लोग 15 दिन से बस के लिए यहाँ पे करते हैं, बस के लिए रुके हुए हैं कि बस आएगा, पर बस का तो है कि बना हुआ है पर आ ही नहीं रहा है। पीओ से भी बोला गया तो पीओ कुछ एक्शन ही नहीं ले रहे।